हे गाइस, दिस इज वैभव अग्रवाल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं FIS ग्लोबल के बारे में, दैट FIS ग्लोबल को आपको ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी मैं आपको यहाँ पर रिव्यूज़ बताने वाला हूँ वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बताऊंगा, लाइक इंडीड हो गया, एम्बिशन बॉक्स हो गया एंड ग्लास डोर हो गया। फ्रेंड, जो भी अपन यहाँ पर रिव्यूज़ कवर करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में होंगे, लाइक यहाँ पर पे एंड बेनिफिट्स कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, जॉब सिक्योरिटी कैसा है एंड मैनी मोर। तो फ्रेंड्स, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा अपन FIS के बारे में यहाँ से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो अमेरिकन मल्टीनेशनल एक कंपनी है और ज़्यादातर ये काम जो करती है वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में ही काम करती है। इसके CEO की बात करें तो गैरी ए नॉरक्रॉस हैं, हेडक्वार्टर इसका फ्लोरिडा में है, 1968 की कंपनी है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो करीब करीब 65,000 इसमें एम्प्लॉयज हैं, ये इसकी सब्सिडरी यहाँ पर लिखी हुई है वर्ल्ड पे वगैरह। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपन रिव्यूज़ देख लेते हैं इंडीड के ऊपर से। तो इंडीड के ऊपर अपन देखेंगे 3.4 ओवरऑल रेटिंग है और करीब करीब इसको देखेंगे तो 2500 लोगों ने इसको रिव्यू किया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूंगा कि किसी कंपनी की रेटिंग ओवरऑल रेटिंग या फिर पर्टिकुलर कैटेगरी में 3.5 है, 3.5 से ज़्यादा है, देन इट्स गुड कंपनी टू वर्क विद। अगर 3.5 से कम रेटिंग है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में या फिर ओवरऑल रेटिंग, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बुरी है, लेकिन अगर आप कंपेरिजन करेंगे अदर कंपनीज से तो थोड़ा सा लैग करती है कंपेरिजन टू अदर कंपनीज, राइट। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो ओवरऑल रेटिंग 3.4 है, 2500 लोगों ने यहाँ पर रिव्यू किया हुआ है। वर्क लाइफ बैलेंस 3.3, पे एंड बेनिफिट्स 3.4, जॉब सिक्योरिटी 3.1, मैनेजमेंट 3 एंड वर्क कल्चर इज 3.2। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो इन तीन कैटेगरी में, लाइक मैनेजमेंट हो गया, जॉब सिक्योरिटी हो गया, वर्क कल्चर वगैरह में थोड़ा सा लैग करती है कंपेयर टू अदर कैटेगरीज, राइट। अगर अपन देखेंगे पे एंड बेनिफिट्स में 3.4 है तो अदर कैटेगरीज में थोड़ा सा कम है, तो पे एंड बेनिफिट से थोड़ा सा कम यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिलेगा, मैनेजमेंट वगैरह यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से अपन को इंडीड के ऊपर से समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा इशू हो सकता है यहाँ पर FIS ग्लोबल में जाने से, मतलब हर एक कैटेगरी में यहाँ पर रिव्यूज़ कम है। तो लेकिन अपन केवल इंडीड के रिव्यूज़ को देखकर अपन यहाँ पर आइडिया नहीं लगाएंगे, मतलब अपन फाइनली डिसाइड नहीं करेंगे, तो अपन आगे जाएंगे एम्बिशन बॉक्स के ऊपर और ग्लास डोर के ऊपर, वहाँ पर देखेंगे क्या रिव्यूज़ हैं। और फाइनली लास्ट स्लाइड में मैंने कंसोलिडेट कर रखे हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पर आप पूरा कवर जरूर करिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं एम्बिशन बॉक्स की। और एम्बिशन बॉक्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 4.1 ओवरऑल रेटिंग है, जबकि अपन ने देखा था इंडीड के ऊपर 3.4 रेटिंग थी। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि केवल एक ही प्लेटफॉर्म से रिव्यूज़ आप कवर ना करें। एक प्लेटफॉर्म के रिव्यूज़ अगर आप कवर करते हैं तो थोड़ा बहुत आप मिसगाइड हो सकते हैं। तो एम्बिशन बॉक्स के ऊपर 4.1 रेटिंग है, करीब करीब 3200 लोगों ने इसको रिव्यू किया हुआ है। कैटेगरीज रेटिंग यहाँ पर बात कर लेते हैं, जॉब सिक्योरिटी 4.2 है, वर्क लाइफ बैलेंस 4.1, कंपनी कल्चर 4, स्किल डेवलपमेंट 3.8, वर्क सेटिस्फेक्शन 3.8, सैलरी बेनिफिट्स 3.7, करियर ग्रोथ 3.7। तो यहाँ पर अपने देखा फ्रेंड्स एम्बिशन बॉक्स के ऊपर कि हर एक कैटेगरी में एंड ओवरऑल रेटिंग FIS ग्लोबल की बहुत ही ज़्यादा हाईली रेटेड कंपनी है ये। और मैंने भी इसके बारे में काफ़ी सुना हुआ है कि रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है और कंपनी में हर एक चीज़ काफ़ी अच्छा है, लेकिन पता नहीं इंडीड के ऊपर क्या हो, रिव्यूज़ कम थे। खैर, हो सकते हैं कि किसी किसी का एक्सपीरियंस बुरा रहा हो, इस वजह से उन लोगों ने वहाँ पर रिव्यूज़ कम डाले हो। खैर फ्रेंड्स, अपन आगे चलते हैं और यहाँ पर ग्लास डोर के ऊपर अपन रिव्यूज़ देख लेते हैं। ग्लास डोर के ऊपर रिव्यूज़ है 3.8 ओवरऑल। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर देखेंगे कल्चर एंड वैल्यू में 3.7, डाइवर्सिटी इंक्लूजन 3.9, वर्क लाइफ बैलेंस 3.8, सीनियर मैनेजमेंट 3.4, कंपनसेशन बेनिफिट्स 3.5, करियर अपॉर्चुनिटीज 3.6। तो फ्रेंड्स, अपन ने देखा कि हर एक कैटेगरी में ग्लास डोर के ऊपर भी FIS ग्लोबल की काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं। केवल एक कैटेगरी में सीनियर मैनेजमेंट में एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है, 3.4 रेटिंग है, लेकिन अपन आगे देखेंगे। और मैंने फाइनली जैसा आपको बताया कि मैंने लास्ट स्लाइड में कंसोलिडेट कर रखे हैं, तो उसको अपन देख लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे और फाइनली अपन वहाँ से डिसाइड करेंगे कि आपको FIS ग्लोबल में जाना चाहिए या फिर नहीं। और कंपेरिजन भी अपन आप देख सकते हैं कि अदर कंपनीज से कैसा है। ओके फ्रेंड्स, अपन आगे चलते हैं और यहाँ पर ग्लास डोर के ऊपर देखेंगे करीब करीब 8,000, 8,500 लोगों ने इसको रिव्यू किया हुआ है। 3.8 ओवरऑल रेटिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मोस्ट ऑफ द रिव्यू जो है वो अप्रूव बाई CEO है, 87% विच इज वेरी हाई। और यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर प्रोज क्या मार्क कर रखे हैं, सबसे ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर कॉन्स क्या मार्क कर रखे हैं। तो वर्क इन्वायरमेंट यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, वर्क कल्चर भी बहुत ही अच्छा है। वर्क कल्चर एंड वर्क इन्वायरमेंट FIS का काफ़ी अच्छा है, ये ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर मार्क किया हुआ है एज अ प्रोज। और कॉन्स की बात करेंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस, करियर अपॉर्चुनिटीज थोड़ा सा यहाँ पर लैक करती हैं। सीनियर मैनेजमेंट, तो सीनियर मैनेजमेंट में अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि सीनियर मैनेजमेंट कैन बी अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। और वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा इसलिए हो सकता है कि किसी किसी के प्रोजेक्ट में ज़्यादा काम रहा हो या फिर कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वर्क लाइफ बैलेंस मेरे ख्याल से डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपके क्लाइंट के ऊपर, कि आपके प्रोजेक्ट में कितना काम है। अगर आपके प्रोजेक्ट में ज़्यादा काम है तो आप थोड़ी सी आप पर्सनल लाइफ मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो वर्क लाइफ बैलेंस का वहाँ पे इशू आ सकता है। तो उस वजह से हो सकता है लोगों ने यहाँ पे मार्क किया हो। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट यहाँ पर कहाँ से होती है। तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, रिक्रूटर के थ्रू भी जा सकते हैं, रिक्रूटमेंट होती है, और रेफरल के थ्रू भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। इंटरव्यू डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे फ्रेंड्स, 2.8 यहाँ पर किया हुआ है इंटरव्यू डिफिकल्टी लेवल में। तो मैं आपको बता दूँगा, अगर इंटरव्यू डिफिकल्टी लेवल में 2.4, 2.3 है
तो आपका जो इंटरव्यू लेवल रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा इजी टू मीडियम, लेकिन आपका जैसे ही रेटिंग यहाँ पे 2.4 से ऊपर निकल जाती है, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 या फिर इससे ऊपर जाती है, तो आपका इंटरव्यू लेवल डिफिकल्टी होने ही वाला है, मीडियम टू हार्ड आपका इंटरव्यू होने वाला है, इतना आसान आपका होने वाला नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इंटरव्यू डिफिकल्टी लेवल भी यहाँ पर मीडियम लिखा हुआ है, जो नीचे वाला स्क्रीनशॉट है फ्रेंड्स ये इंडीड से, ऊपर वाला ग्लास डोर से। यहाँ पर बात करेंगे इंटरव्यू प्रोसेस लेंथ की, आप बात करेंगे तो 1 वीक लिखा हुआ है, तो आपके हो सकते हैं कि आपकी पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस टिल गेटिंग योर ऑफर लेटर 1 वीक में आपकी खत्म हो जाए, हो सकता है 1 वीक से ज़्यादा लगता है, किसी किसी के लिए हो सकता है कम है, तो एक एवरेज ड्यूरेशन निकाला गया है, तो अबाउट 1 वीक आपको पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लगेगा FIS ग्लोबल में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे चलते हैं और फाइनली देख लेते हैं यहाँ पर कंसोलिडेट करके मैंने जो रखा हुआ है यहाँ पर, तो फाइनली आप यहाँ से डिसाइड कर पाएंगे कि हर एक कैटेगरी में FIS ग्लोबल कैसी है और इसको आपको ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करेंगे 3.9 इट्स वेरी गुड, वर्क कल्चर 3.7 करियर अपॉर्चुनिटीज़, करियर ग्रोथ, जॉब सिक्योरिटी, मैनेजमेंट, पे एंड बेनिफिट्स, हर एक कैटेगरी में कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैनेजमेंट में थोड़ा सा यहाँ पर लैक करती है, तो मैनेजमेंट कैन बी अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो हर एक कैटेगरी में अगर आप देखेंगे ओवरऑल रेटिंग 3.5 से ऊपर है, और ओवरऑल रेटिंग अपन ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी देखी, एम्बिशन बॉक्स के ऊपर अपन को याद है कि 4.1 थी, ग्लास डोर के ऊपर 3.8 थी, लेकिन इंडीड के ऊपर थोड़ा सा कम था, 3.4 था, तो खैर ठीक है। और ओवरऑल आपको समझ में आ गया है कि FIS ग्लोबल इज़ अ हाईली रेटेड कंपनी, आप इसमें जा सकते हैं, जैसा कि अपन ने देखा था कि कोफोर्ज एक हाईली रेटेड कंपनी है, डेल एक हाईली रेटेड कंपनी है, राइट, तो ये सारी हाईली रेटेड कंपनीज हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ पर इशू हो सकता है, बाकी जनरली इशूज़ नहीं होते यहाँ पर, राइट। तो अगर आपके पास इस कंपनी का ऑफर लेटर है तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर इट, अगर आपके पास किसी और कंपनी का ऑफर लेटर है तो थोड़ी सी आप उस कंपनी की भी रिव्यूज़ देख लीजिए, और फाइनली यू कैन डिसाइड दैट विच कंपनी यू नीड टू गो फॉर। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।